तो दिन की शुरुआत की मैंने ल्यूक वार्म वाटर से। तो यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। पानी गर्म हो चुका है अब, और ये एक मैंने बड़ा सा टम्बलर लिया है, मैं इसी में पानी पीती हूँ। फिर इसके बाद मैंने जूस बनाने के लिए अपने वेजिटेबल्स को साफ कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ मैं जूस बनाने के लिए कैरेट ले रही हूँ, उसे मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। मैंने बीट रूट भी लिया है और पालक, इन सब सारी सब्जियों को मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद जूस बनाऊंगी। तो वेजिटेबल्स सारी क्लीन हो गई हैं, अब इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर उसके बाद हम जूस बनाते हैं। तो यहाँ मैं अपने जूसर को सेटअप कर ले रही हूँ जूस बनाने के लिए। इस जूसर के बारे में मैंने पहले के भी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जूसर सेटअप हो गया है, अब एक आगे एक कंटेनर रखेंगे जिसमें जूस निकल के आएगा। फिर मैं अपने वेजिटेबल्स इसके अंदर डालूंगी। तो यहाँ जूस बनके तैयार है।
तो इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने आलू को बॉईल किया, क्योंकि आज हम आलू के पराठा बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने आलू को वॉश करके प्रेशर कुकर में पकने के लिए रख दिया है। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं, तब तक ही मैंने चटनी बना ली है। यहाँ मैंने धनिया मिर्चा लहसुन अदरक की चटनी बनाई है। और अब आलू पक के तैयार हो गए हैं, उनको मैंने मैश कर लिया है, उनमें मैंने मसाला मिला लिया है और अच्छे से फिलिंग्स तैयार कर ली है। और अब हम आलू का पराठा बनाते हैं। तो आलू का पराठा तैयार है, अब हम सब ने इसे इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं शॉपिंग। यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ शॉपिंग जाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं तिब्बत मार्केट। तिब्बत मार्केट में विंटर कलेक्शन मिलता है, और ये विंटर के सीजन्स में ही ये शॉप आते हैं। ये ऐसे बोला जाता है कि पहाड़ी जो तिब्बत लोग होते हैं, रिफ्यूजीज, ये शॉप लगाते हैं सिर्फ विंटर के सीजन में। तो बहुत अच्छा विंटर कलेक्शन भी लाते हैं ये लोग, और अच्छे प्राइस में भी अवेलेबल होता है, वैरायटीज भी होती हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच तिब्बत मार्केट। यही जहाँ पे ये कलरफुल फ्लैग्स लगे हैं, यही है वो मार्केट प्लेस। उसके साथ में और भी विंटर कलेक्शन की शॉप्स थी, बट वहाँ हम लोग नहीं गए, हमें तिब्बत मार्केट ही जाना था। तो हम तिब्बत मार्केट ही आज एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी हमें कुछ पसंद आता है या नहीं। तो ये हम आ गए हैं मार्केट। तो ये अंदर का सीन है। तो यहाँ पे खूब सारे शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, और हम संडे के दिन आए हैं तो अच्छी खासी भीड़ भी है। तो हमने भी बहुत सारे शॉप्स पे गए, बहुत सारी चीज़ें देखी, पसंद की, ट्राई किया, कुछ कुछ चीज़ें पसंद भी आईं। आगे बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। ये बहुत पुरानी मार्केट है और बहुत ही सालों से यहाँ पे लगती है, सिर्फ विंटर के टाइम्स।
कोविड में ये शॉप्स बंद हो गई थी, लेकिन फिर अब कोविड ख़त्म होने के बाद फिर से ये लोग वापस आ गए हैं विंटर्स में। तो अब ये जनवरी एंड या फ़रवरी मिड तक ही रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने भी कुछ कुछ सामान परचेज़ किया है तिब्बत मार्केट से। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने क्या परचेज़ किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल शो इन माई नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई हैव परचेज्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।